हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनी टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 13 के बारे में। तो गाइज, इसका सीजन 13 अभी रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है। हालांकि टीआरपी कुछ खास देखने को नहीं मिली है, लेकिन जो इसके फैंस हैं ऑब्वियसली वो इंजॉय कर ही रहे हैं। और अभी हमें रिसेंटली सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो सहवाग, बाकी गांगुली और फराह खान, दीपिका पादुकोण, ये सब हमें देखने को मिले। दीपिका पादुकोण फराह वाला एपिसोड भी आने वाला है और ये सब हमें सेलिब्रिटीज़ के इसमें अपीयरेंसेस देखने को मिली हैं। तो गाइज़, कौन बनेगा करोड़पति के अपकमिंग एपिसोड्स में कौन आने वाला है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं, नीरज चोपड़ा, जिन्होंने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कराया है पिछले कुछ हफ्तों से, आपने कहीं ना कहीं उनका नाम सुना ही होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है और वो डिज़र्व भी करते हैं इस चीज़ को। तो गाइज़, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में और गाइज़ जैवलिन थ्रो के अंडर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो अब मैं आपको बता दूं कि नीरज चोपड़ा यही गोल्ड मेडलिस्ट आपको जल्द देखने को मिलने वाले हैं केवीसी के सीज़न 13 में। तो गाइज़, फिलहाल के अभी वाले वीकेंड में तो दीपिका पादुकोण और फराह खान वाला एपिसोड एयर होगा, लेकिन उसके बाद जो अगले हफ्ते का वीकेंड हमें देखने को मिलेगा तो उस पर केवीसी 13 में आपको नीरज चोपड़ा देखने को मिलेंगे। तो नीरज चोपड़ा इनवाइटेड हैं कौन बनेगा करोड़पति के सीज़न 13 पे। तो गाइस, यही था इस वीडियो में, यही कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि केबीसी 13 आपको पसंद आ रहा है या फिर नहीं, और आपको क्या लगता है इस बार की टीआरपी ज़्यादा हाई नहीं है, क्यों नहीं हाई नहीं है, इस बार कुछ खास परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा केबीसी टीआरपी के मामले में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वैसे अभी एक ही हफ्ता हुआ है, एक बार ही टीआरपी आई है केबीसी की। लाइक कर दीजिए वीडियो, शेयर कर दीजिए केबीसी और नीरज चोपड़ा के फैंस के साथ। और गाइस, हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट टीवी शोज न्यूज़ मिलती रहे, केबीसी और सोनी टीवी के सारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचते रहेंगे। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।